नमस्कार. तेज आणि फास्ट बातम्यांसाठी एकदा परत मी अंजली कदम 24 तास मध्ये उभी आहे. तुम्ही बघत राहा फक्त 24 तास. कार्गो में वहाँ पे जो सीनियर है लता मैडम पुलिस इंस्पेक्टर, क्योंकि हमको हमारे कार्यकर्ता के थ्रू ये पता लग रहा था कि इसमें पुलिस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, जिससे देव यादव जो कॉन्ट्रेक्टर है वो दादागिरी कर रहा है. तो हमने वहाँ गए, वहाँ की सीनियर को मिले, लता मैडम को बात हुई, तो हमने उनको एक ही बात बोली, मैडम जीवीकी से हमारी बात चल रही है, हम खाली आपसे निवेदन करते हैं जो कॉन्ट्रेक्टर है देव यादव उनको बुला के लीजिए अभी यहाँ पे, और हमारे जो शिव सैनिक है उनको तंग करना बंद करने बोलो उसको. तो आए दिन हमारे शिव सैनिकों कार्यकर्ताओं को, वो जो शिवसेना उधर वातु सेना से जुड़े हुए हैं, हमारे 400 ट्रांसपोर्टर, उनको आए दिन गाड़ियाँ रोक रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनको गुंडे ला के पिटवा रहे हैं. यहाँ तक कि हमारे टीटू जी है, इनके मैनेजर को खुद मारा देव यादव ने, और अपनी गाड़ी में डाला और पुलिस स्टेशन ले गया और उसको अंदर बंद करा दिया. तो ये पुलिस का पूरा तरीका था. इसके खिलाफ हम गए थे तो हमने मैडम को बोला कि आप उनको बुला के लीजिए. मेरे सामने सार एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की सीनियर लता मैडम देव जी को फोन करती है और ऐसे प्यार से बोल रही है कि देव जी प्लीज जरा आइए ना 5 मिनट के लिए. मैं वो देख के हैरान हो गया कि एक क्रिमिनल जो पार्टी का कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, 500 रुपये का डायरेक्ट 3000 रुपये कर दिया विदाउट जी आर, विदाउट मीटिंग. अगर आज मैं कहीं कॉन्ट्रैक्ट खोलता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ और मैं वहाँ पे कुछ पे एंड पार का धंधा करता हूँ, अगर मुझे कुछ चीज रेट बढ़ाना है तो जिसके अंडर मैं उससे मीटिंग लूंगा, जो वहाँ पार्किंग कर रहे हैं 40 साल से, मैं उनसे बात करूंगा कि भाई मुझे रेट बढ़ाना है, और बढ़ाना भी कितना है, 500, 700, 800, 1000 डायरेक्ट 3000. ये एक महीने में फाइनल की, किसी को बताया नहीं, डायरेक्ट 3000 रुपये बोल दिया. तो हमने देव यादव को बुला के, जब वहाँ की सीनियर ने रिक्वेस्ट की, देव यादव वहाँ पे आया, आने पर बैठा, बात हुई, उसने सीधा बोला मैं रोकूंगा नहीं, मैं इनको मारूंगा. मैंने वही बोला मैडम को, मैडम आपके सामने ये बात कर रहे हैं, ये शिवसेना हाथ जोड़ के काम कर रही थी, अगर हमारे लोगों को मारेगा शिवसैनिक को, हम भी हाथ खोलेंगे, आप हमको हाथ खोलने में मजबूर मत करो, लॉ एंड ऑर्डर मत बिगाड़ो, इसको आप समझाइए. उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमने DCP साहब के पास गए. DCP साहब उस दिन नहीं थे, कहीं निकल गए थे मीटिंग के लिए. हम 4 दिन बाद भी DCP साहब को मिले, DCP साहब ने बहुत रिस्पेक्ट से बात की हमको, अच्छा उन्होंने वादा किया, हमारी बात पूरी सुनी उन्होंने. उन्होंने बोला नहीं, मैं लता जी को बोलूंगा, उसको कंट्रोल करेंगे. तो हमें इसके बाद, आज ये मीटिंग होने के बाद, हमारा अगला स्टेप यही है, जो हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है बल साहब, उनकी JVK के जो मेन है राजीव जैन, उनसे बात हुई थी. राजीव जैन जी आउट ऑफ इंडिया है, वो 1 तारीख को इंडिया में आने वाले, 2 तारीख को हमारी मीटिंग होगी. अगर हमारी मांगे JVK मानती है, हमारे कार्यकर्ता जो 500 रुपये कितने साल से दे रहे हैं, अगर बोलेंगे ठीक है 500 ही रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर वो JVK बोलती नहीं 3000 देना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे विशाल मोर्चा लेने वाले हैं, जिसमें कम से कम 1000 शिव सैनिक रहेंगे, जिसमें कम से कम 700 से 800 ट्रांसपोर्टर रहेंगे. आज जो चार्ज कर दिया गया, ये विषय का कारण हम लोगों को पूरा पता चल गया है, ये JVK का पूरा एक काला धंधा है. JVK ने इन लीगल गुंडे वहाँ पे रख कर, जिसको अगर बम्बई की भाषा में बोला जाए एक्सटोशन, ये एक्सटोशन का खेल JVK कर रही है. JVK ने डायरेक्ट 500 से 3000 रुपया करके, और ये देव नाम के जो गुंडे को बिठा कर इन्होंने रखा है वहाँ पर, ये देव नाम का जो गुंडा है लोकल स्थानीय लोगों को, जुआरियों को, शराबियों को और क्रिमिनल लोगों को जो है अपने साथ में रख कर यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों को डरा रहा है, उन लोगों को मार धार कर रहा है. अच्छा, इनका सपोर्ट करने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन की जो सीनियर है वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आदमी डेयरिंग कब करता है, जब उसको जो है कहीं से शय मिलती है. तो इस देव को जो है लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ से शय मिल रही है, JVK की तरफ से शय मिल रही है, और जो है वहाँ के पूरे टपोरियों की तरफ से शय मिल रही है. तो ये जो पूरा गुंडागर्दी का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो एक्सटेशन जो चल रहा है, ये सब पूरा जो खेल रचा गया है, ये JVK के जो है लोगों ने रचा हुआ है. और JVK जो है खुद की उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की. ये अपनी मनमानी क्यों कर रहा है JVK, बस सिर्फ यही है कि इनलीगल तरीके से गरीबों के जेब से कैसा पैसा छीना जाए, इनके ऊपर कैसा हफ्ता वसूला जाए, ये इस तरीके के माध्यम से जो है ट्रांसपोर्टर को हैरेसमेंट कर रहा है. अगर इस वक्त जैसे देव ने कहा पुलिस स्टेशन में कि नहीं मैं रोकूंगा और मारूंगा, तो शिवसेना औजड़ वातुक सेना के जो हमारे अध्यक्ष साहब है इंद्रजीत बल साहब, इनका तो खाली नाम ही काफ़ी है वहाँ पर. अगर इसने ज़रा सी भी गलती कुछ करी तो औजड़ वातुक सेना और हमारे सारे पदाधिकारी और हम सारे शिवसेना औजड़ वातुक सेना के पदाधिकारी उनको बताएंगे कि जवाब क्या होता है, फिर देखते हैं कौन माफिया है, कौन डॉन है और कौन JVK है. ठीक है, जय हिंद जय महाराष्ट्र. काफ़ी सालों से
इस टाइम उन्होंने 2 महीने पहले कोई मीटिंग नहीं हमारे साथ ली।